विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम करंट इवेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। कल आपका करंट इवेंट्स पर पेपर होना है, तो बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना है आपने। तो प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ रहे हैं हम लोग, अगस्त 2024, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, फिर नियुक्तियां पढ़ेंगे, खेलकूद पढ़ेंगे, कुछ पेपर देखेंगे जो पेपर आ रखे होंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, ठीक है भाई। तो पहला पहला जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्य मंत्री परिषद में सहयोगी दलों के 11 मंत्री, सहयोगी दलों के कितने मंत्री, 11 मंत्री, कितने सदस्यीय मंत्री परिषद, 72 सदस्यीय मंत्री परिषद। ऐसा क्यों, 72 ही क्यों, सिर्फ 72 ही क्यों, बोलो। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये बोला गया था कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, बताओ। साथ में ये भी पकड़ना है आपने, जब आप करंट पढ़ रहे होते हैं तो साथ में अपने नॉलेज को भी देखना, आपने पॉलिटी में क्या पढ़ा। तो कौन सा वहां संविधान संशोधन है जिसमें ये बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा 15%, मतलब टोटल लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तब तक ढूंढ के रखो, मैं आगे बता रहा हूं। 18वीं लोकसभा, कौन सी भी लोकसभा, यहां पर ध्यान देना आपने, कौन सी भी लोकसभा, 18वीं लोकसभा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, के स्पष्ट बहुमत के चलते इस गठबंधन की सरकार हेतु ही मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी घटक दलों के नेताओं की पुराने संसद भवन, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 7 जून 2024 की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से गठबंधन का संसदीय दल का नेता चुना गया। अब फिर ये इंपॉर्टेंट है कि 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 8000 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको डेट याद करनी पड़ेगी, 9 जून 2024। कैसे याद होगी, 3 जून योजना पढ़ी है आपने, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना, बोला 3 जून योजना के 6 दिन बाद 9 जून 2024 को। यहां से क्वेश्चन बना सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ किस तिथि को ली, आंसर 9 जून। उत्तराखंड वाले पूछते हैं ऐसा, उत्तराखंड में ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, 9 जून 2024 को। इतना समझ में आ गया, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 द्वारा क्या बोला गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि बीच में गठबंधन सरकारें बन रही थी, गठबंधन समझते हैं, और गठबंधन में जब सरकारें बनती है तो उसका एक दिक्कत होती है कि हर एक व्यक्ति बड़े बड़े पद प्राप्त करना चाहता है, मंत्री पद। उसमें क्या कर रहे थे कि नए नए पदों का सृजन किया जा रहा था, नए नए मंत्रालय गठित किए जा रहे थे, तो ऐसे में तो भाई भार पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, राजस्व हानि होगी देश की। नए मंत्रालयों का, जिनका अनावश्यक मंत्रालयों का गठन करके जब एक व्यक्ति दो मंत्रालय या दो तीन एक ही मंत्रालय के अंदर काम संभाला जा सकता है तो अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है। इसलिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित जाने माने अतिथियों में 7 पड़ोसी देशों के शासन प्रमुख, पड़ोसी क्यों, नेवर फर्स्ट। जो प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले पड़ोसियों को क्या करना चाहिए, मतलब उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। किनको देनी चाहिए भाई, सुख दुख में सबसे पहले कौन आता है काम, पड़ोसी, तो नेबर फर्स्ट, है ना, सबसे पहले कौन, पड़ोसी। 7 पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, देखो यहां से ये पता चल जाता है कौन कौन कहां कहां पर शासन कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ,
देखो मॉरिशस के साथ संबंध खराब रहे बीच में, नहीं मॉरिशस के साथ ठीक था, सॉरी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड माओवादी नेता थे, माओवाद के नेता थे। और जब ये पहले मतलब जब डेमोक्रेसी आई नेपाल में तो पहले प्रधानमंत्री भी यही बने थे उस समय, कौन? पुष्प कुमार दहल प्रचंड। मौत से तुंग की नीतियों का जो पालन करते हैं उनको माओवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओवाद और नक्सलवाद में ज्यादा अंतर नहीं है। नक्सलवाद सिर्फ इसलिए बोलते हैं भारत में क्योंकि चारू मजुमदार और कानू सान्याल ये दो नाम हैं। फसल लूट की एक छोटी सी घटना हुई थी वेस्ट बंगाल में हुई थी और नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? नक्सलवादी। उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? नक्सलवाद। और नेपाल में या अन्य जगहों पर हम क्या बोलते हैं? माओवाद। ठीक है, मौत से तुंग आगे थे, मौत से तुंग आगे थे, मौत से तुंग। चीन जो दिख रहा है ना आज, मौत से तुंग का ही परिणाम है उनकी विचारधाराओं का। ठीक है, चलो जी। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विक्टोरिया किसकी कैपिटल है? किसकी है? अरे किसी की है। विक्टोरिया नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेजर्ट कहाँ है? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रांत कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आइलैंड कहाँ है? आइलैंड कहाँ है? विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है? कनाडा में। फॉल कहाँ है? विक्टोरिया फॉल कहाँ है? अरे नाम याद होना चाहिए ना भाई। अफ्रीका में कहाँ? अफ्रीका में तो 54 देश है, मोर देन 54 कंट्रीज है। कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर। किस नदी पर है विक्टोरिया फॉल? जम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जम्बेजी नदी पर है। तो क्या क्या बोला मैंने? विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। एक दूसरे का मुंह देखने से नहीं होगा, एटलस खोलना पड़ेगा। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। राइट साइड में जाइए। मेलबर्न, ठीक है। और क्या है, क्या बताया मैंने? विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बिया जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर, जम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया लेक कहाँ है? हाँ जी, युगांडा केनिया और तंजानिया, युगांडा केनिया और तंजानिया। तो विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? अफ्रीका में है। 0 डिग्री इक्वेटर काट जाती है कहां से? विक्टोरिया लेक से। ठीक है, ठीक है जी। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ शामिल थे। विपक्षी नेताओं में केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे ही शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित। शपथ ग्रहण करने के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पारी की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वे पहले राजनेता तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले वे भाजपा के दूसरे राजनेता बन गए हैं। इसके साथ ही तीन बार मुख्यमंत्री रहने के पश्चात तीन बार प्रधानमंत्री रहने वाले भी पहले राजनेता नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, श्री मोदी के अतिरिक्त 71 अन्य सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ 9 जून को ग्रहण की। राष्ट्रपति दिलाती श्रीपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, महामहिम। इनमें 30 को कैबिनेट मंत्री, कितनों को? मैंने कहा तीन मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्री परिषद किस किस से मिलकर बनती है? नंबर एक कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर दो राज्य मंत्री, नंबर तीन उप मंत्री। तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कितने बने? 30 ने ग्रहण की शपथ। 5 को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया, 36 अन्य को राज्य मंत्री का दर्जा,
72 सदस्य मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित है, ठीक है। यानी अगर प्रधानमंत्री को भी जोड़ देते हैं तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना है, 72, 1 + 71 = 72। नए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री मोदी सहित 21 चेहरे पुराने हैं, जबकि पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को इस बार मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिला है। मंत्रिपरिषद में 7 महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, 7। और सांसदों की महिलाएं, सांसदों की संख्या कितनी है महिला सांसदों की, ये तो मंत्रिपरिषद में है 7 महिलाएं, तो कुछ गड़बड़ नहीं लगता है आपको? देश की आबादी में 50% जो आबादी है महिलाओं की है, कायदे से 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, यहां पर भी कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तो 50% महिलाएं होनी चाहिए, 50% पुरुष होने चाहिए, बट अपने अधिकारों के लिए लड़ते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। चलो, मंत्रिपरिषद में कितनी है, 7 महिलाएं, भाजपा के सहयोगी दलों के 11 सांसद मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से 5 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 37 वर्षीय रक्षा खडसे भाजपा मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री है। फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे युवा मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, आंसर रक्षा खडसे, बीजेपी, 37 वर्ष उम्र कितनी, 37 वर्ष। जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, तो सबसे युवा मंत्री कौन, रक्षा खड से बीजेपी, सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन, जीतन राम मांझी, कौन कौन सा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। जीतन राम मांझी की पार्टी का नाम क्या है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं कि सबसे युवा सांसद मंत्री कौन है मंत्रिपरिषद में और सबसे बुजुर्ग कौन है, तो जीतन राम मांझी। सहयोगी दलों में तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के 2-2 सांसद मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं, इनमें से 1-1 को कैबिनेट मंत्री का व 1-1 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जबकि शिवसेना व राष्ट्रीय लोक दल के 1-1 सांसद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले व अपने दल अपना दल एस के 1 सांसद राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सहयोगी दलों के से 5 को कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसमें तेलुगु देशम पार्टी के राजमोहन नायडू, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और जनता दल सेक्युलर के HD कुमार स्वामी शामिल हैं। क्या बताया मैंने, सहयोगी दलों से जो 5 को कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है वो कौन कौन है, तेलुगु देशम पार्टी, डैश करके लिखना आपने, के राममोहन नायडू, जनता दल यूनाइटेड के कौन, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कौन, जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी के कौन, चिराग पासवान, चिराग, जनता दल सेक्युलर के HD कुमार स्वामी। ये 5 क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है भाई। तो मेन कैबिनेट मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, पहले भी थे, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के साथ जो अन्य वो मिला है उसको याद रखना आपने, सहकारिता मंत्री, कौन सा, कोऑपरेटिव सहकारिता, नाम सुने हो, संविधान के किस भाग में है सहकारिता, संविधान के किस भाग में है, 9B में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 243ZH से 243ZT, 243ZH से 243ZT, किसके पास, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। JP नड्डा क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर आपको, क्या क्या मिला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है, साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री भी, कौन है, जेपी नड्डा है। शिवराज सिंह चौहान जी को क्या मिला है भाई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिल गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री को अंडरलाइन करना आपने। डॉक्टर S. जयशंकर विदेश मंत्री,
मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा को खास ध्यान देना आपने, मनोहर लाल खट्टर। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इंपॉर्टेंट है पीयूष गोयल, ये हाईलाइट नहीं कर रखा आपने। वाणिज्य कॉमर्स और उद्योग इंडस्ट्री, देश में मेन चीज क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट, हमारे निशंक जी भी रहे हैं यहाँ पर, पहले इसको HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसको क्या बोला जाता है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME, आप बार बार देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो शायद यहां से पूछता कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है, जीतन राम मांझी के पास है। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। सर्वानंद सोनोवाल इनको मिला है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं, UPSC जब आप पढ़ रहे होते हैं एक अलग बुकलेट पढ़नी पड़ती है आपको सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस एवं अधिकारिता मंत्री कौन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नाम से परिचित रहिए, इनके चेहरे भी देखते रहिए TV पे, अब याद होता ज्यादा। किंजरापू राममोहन नायडू ये नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, किंजरापू राममोहन नायडू, सिविल एविएशन मिनिस्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास गई है, किंजरापू राममोहन नायडू के पास गई है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, इंपॉर्टेंट है प्रहलाद जोशी भी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके पास गया है, प्रहलाद जोशी के पास। जुएल ओराम के पास जनजातीय कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, ये इंपॉर्टेंट हो गए, फिर रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, थोड़ा इनका रेल मंत्री का रोल कम हो गया जब से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, पहले रेल बजट जो था उसमें रेल मंत्री की भूमिका होती थी, है ना, तो रेल मंत्री कौन है भाई, अश्विनी वैष्णव है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही है अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, वन जहां आ गया इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यावरण जहां पे आता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन है, पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्री भी इंपॉर्टेंट हो गए, आपका राज्य वैसे भी पर्यटन पर चलता है ना, तो गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अन्नपूर्णा। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले के खेल मंत्री। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। तो ये इतने लोग आपके क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भाई, इनमें मैंने बता दिया आपको कि क्या 5 लोग अलग पार्टी के हैं, तो वहां पर खास ध्यान दे दीजिए, कहीं पर के राममोहन नायडू आया, के राममोहन नायडू नाम आया कहीं पर, हाजी हाँ, के राममोहन नायडू यानी किंजरापू राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, और ये किससे हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं, किससे हैं, इनको खास अलग कीजिए, ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं। दूसरे कौन कौन हो गए, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड के,
ये पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय मिल गया इनको। क्या मिल गया? अगले जीतन राम मांझी कौन से नंबर पे? हाँ जी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसको मिला? किसको मिला? जीतन राम मांझी जी को मिला। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हैं, इनको अलग संडरलाइन अलग बना दीजिए, इनको अलग दिखा दीजिए, है ना। अच्छा जी, ये चिराग पासवान कहाँ दिखे आपको? 29 नंबर पर। क्या बने? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। क्या बने? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। ये किस पार्टी के हैं? लोक जनशक्ति पार्टी के। अगले HD कुमार स्वामी 9वें नंबर पर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? HD कुमार स्वामी, ये बने जनता दल सेक्युलर से। अब मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता, मैं बीजेपी के लोग नहीं पूछता। बीजेपी ने जहां पर, क्योंकि जो सरकार है वो क्या है, पूर्ण बहुमत में नहीं है, सहयोगी दलों के सहयोग से बनी है, तो सहयोगी दलों को भी देना पड़ा। तो वो 5 पद कौन कौन से हैं जो सहयोगी दलों को देने पड़े? इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अगला, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब ये तो पढ़ना बड़ा कठिन काम होता है भाई, इतने सारे मंत्री, लेकिन अगर कुछ दिख रहा है आपको, अपने उत्तराखंड के कोई अजय टमटा जी दिख रहे हैं अगर, उनको हाईलाइट कर दीजिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के 18वें नंबर पर जाओ। राज्य मंत्री के 18वें नंबर पर अजय टमटा जी। अगर उत्तराखंड पीसीएस के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं यहां से बनाता, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। मैं पूछता, उत्तराखंड से जो सांसद बने हैं अजय टमटा जी, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मतलब तो राज्य मंत्री है, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो देखते हैं अब, उधर से नितिन गडकरी जी, इधर से अजय टमटा जी, दोनों मिलकर क्या करते हैं अब, है ना। क्योंकि मेन चीजें तो हमारे उत्तराखंड में क्या है, ऑल वेदर रोड है, लेकिन वो बंद है आजकल, इस मौसम में क्या हो चुकी है। वैसे उनका नाम ऑल वेदर रोड है, पर होता है ऐसा, निर्माण कार्य जब होता है, जब तक मिट्टी ने अपनी जगह नहीं पकड़ी तब तक लैंडस्लाइड होता रहेगा, ठीक है। और अभी 1-2 साल तक और चलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो और कोई दिख रहा है आपको, कोई खास व्यक्ति जो, जहां से क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, तो राज्य मंत्री और उपमंत्रियों पर ज्यादा नहीं पूछा जाता, मेन जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो कहां से पूछा जाएगा? पढ़ना है तो मैं बता देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आगे जाना चाहिए। स्वतंत्र प्रभार किस किस के पास है? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह के पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, अर्जुन राम मेघवाल के पास है, जाधव प्रताप राव गणपत राव के पास है, जयंत चौधरी के पास है, ठीक है। और ये राज्य कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी, इनको थोड़ा सा ध्यान दे देना। वैसे तो जब भी मीटिंग होती है, जो वो कैबिनेट्स की होती है, जो भी डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट के होते हैं, गुप्त बैठकें होती हैं, कभी कभी राज्य मंत्री को बुला दिया जाता है उसे, अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे बुलाते नहीं जल्दी से। अजय टमटा जी को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नए चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में कौन? पेमा खांडू। सिक्किम में कौन? प्रेम सिंह तमांग। बस यही मैं एक क्वेश्चन बना देता मैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब आपके 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो 4 जगहों पर और चुनाव हुए। एक क्वेश्चन तो ये बनाता कि 4 जगहों पर कहाँ कहाँ चुनाव हुए, या 4 जगहों में से वो कौन सी जगह जहां पर नहीं हुए। तो पहले 4 जगह याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। क्या? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन बने भाई? पेमा खांडू। अब क्या होता है कि आप उत्तर प्रदेश पे बड़ी ध्यान देते हो, उत्तराखंड पे तो देना ही पड़ेगा, हमारा राज्य है, ठीक है। खास खास राज्यों पे जाते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात आती है आप उसको अनइम्पोर्टेंट समझकर क्या कर देते हो, और बहुत चर्चाओं में भी नहीं रहते यहाँ के जो न्यूज चैनल है। पेमा खांडू कभी नहीं दिखेंगे आप यहाँ के न्यूज चैनल से होंगे, इवन जो नेशनल न्यूज होती है उसमें भी आप बहुत कम दिखेंगे, ज्यादा आपको योगी जी दिखेंगे। कौन दिखेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन? पेमा खांडू। सिक्किम में कौन?
प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम में कौन? प्रेम सिंह तमांग। आंध्र प्रदेश में कौन? चंद्रबाबू नायडू। और उड़ीसा में कौन? मोहन चरण मांझी। तो बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री क्या हुए? चेंज हुए भाई, क्या हुए? जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं वो टीडीपी है, उनकी पार्टी का नाम क्या है? टीडीपी। टीडीपी मतलब बताइए, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, कौन सी भाषा है? तेलुगु। कृष्णदेव राय का नाम सुना है? कहाँ सुना है? अरे कृष्णदेव राय का नाम सुना है? कहाँ सुना है? संगम के साल, सॉरी विजयनगर साम्राज्य में, तुलु वंश में। किसमें सुना है? उन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्त मल्यदा। किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में लिखी। किसमें? तेलुगु बोलते थे वो लोग भी, ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और वर्तमान में कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? तो ठीक है, तो मैंने चार राज्य बता दिए, यहां से मैं क्वेश्चन पूछता। इन विधानसभाओं में विभिन्न दलों को मिली सीटों के चलते अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में क्रमशः भाजपा व सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM का ही शासन बरकरार रहा, जिससे अरुणाचल प्रदेश के भाजपा में पेमा खांडू तथा सिक्किम में SKM के प्रेम सिंह तमांग, SKM के प्रेम सिंह तमांग ही पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए। पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को तीसरी बार और प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सफाया करते हुए चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने अकेले ही 175 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर विजय प्राप्त की। इसको हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, 175 में से 135 सीटें इसको मिली, टीडीपी को मिली। इसका राज था वाईएस जगनमोहन रेड्डी का राज था, यहाँ पर वो मुख्यमंत्री थे, है ना। 2019 से 2024 तक रहे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अब बन गए हैं कौन? एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। 175 में से 135 सीटें, ठीक है भाई। टीडीपी ने एनडीए के सहयोग से चुनाव लड़ा था, ऐसे में वहां गठित एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू ही मुख्यमंत्री बनाए गए। 74 वर्षीय श्री नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 12 जून को विजयवाड़ा में ग्रहण की। वहां पर किस नदी के किनारे है विजयवाड़ा? कृष्णा नदी के तट पर है। जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी, क्या होगी? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा। जबकि राजमुंद्री किस नदी के तट पर है? गोदावरी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कई बार। ओडिशा में बीजू जनता दल के 24 वर्षों के शासन को खत्म कर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके नई सरकार का गठन किया। भाजपा विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ वहां 12 जून 2024 को ग्रहण की। यह पहला ही अवसर है जब ओडिशा में भाजपा सरकार सत्ता में आई है। कई सालों से वहां पर कौन थे भाई? बीजू पटनायक। कौन थे ओडिशा के मुख्यमंत्री? कौन थे? किसका स्थान लिया है इन्होंने? ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने किसका स्थान लिया है? पटनायक थे ना, वहां पर बहुत बुजुर्ग थे मुख्यमंत्री। देखिए तो नवीन पटनायक, सॉरी बीजू पटनायक नहीं, नवीन पटनायक। कौन थे? काफी बुजुर्ग थे। अब उनका स्थान किसने ले लिया? मांझी जी ने ले लिया है, मोहन चरण मांझी, ठीक है। हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रही, केवल तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद मोसी नदी के तट पर है। हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटी बोलते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में एक रिजर्वायर है, क्या नाम है उसका? देखो, एक वाटर रिजर्वायर है, उसका नाम बताना, उस झील का नाम बताना आपने।
देश के प्रमुख महानगरों में गिना जाने वाला हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 यानी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के 10 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही 2 जून 2024 से अब केवल तेलंगाना की राजधानी है। इस अधिनियम के तहत ही आंध्र प्रदेश का विघटन कर तेलंगाना 2 जून 2014 से पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 2 जून 2014 को याद रखना आपने, तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। तथा इस अधिनियम में ही हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्ष तक तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। तदनुरूप 2 जून 2014 से हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी है। 10 साल हो गए थे भाई, ठीक है। लेक क्यू गवर्नमेंट गेस्ट हाउस सहित हैदराबाद की कुछ परिसंपत्तियों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मई 2024 तक इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 जून 2024 से पहले ही इनका कब्जा लेने के निर्देश तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा मई 2024 में जारी किए गए थे। आंध्र प्रदेश में स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। 2015 में आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने अमरावती को राजधानी घोषित किया था। किसको? अमरावती को राजधानी घोषित किया था। बाद में 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी, तो विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए 3 शहरों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया था। इसमें अमरावती को विधायी, कुरनूल को न्यायिक और विशाखापट्टनम को प्रशासनिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव था। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये ऑल लाइन। अमरावती को यानी विधानसभा बननी थी अमरावती में, हाई कोर्ट बनना था कुरनूल में, और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल थी वो बननी थी कहां? वाईजैक यानी विशाखापट्टनम में, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम क्या है? डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया भी है। हैवी वेसल्स बनते हैं यहां पर। क्या बनते हैं? कानूनी अड़चनों के कारण 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 2024 के चुनावों के पश्चात चंद्रबाबू नायडू पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन पूर्व ही 3 कैपिटल फॉर्मूला ठुकराते हुए अमरावती को ही राजधानी बनाने की घोषणा की है। अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में संचालित है, अमरावती, ठीक है। ठीक है भाई, अब विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 46 संस्थान क्यूएस रैंकिंग 2025 लंदन स्थित क्यूएस साइमन, एस मीन साइमन, क्वाक्वारेली साइमंस एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष ये शैक्षणिक संस्थानों का क्या किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। इसमें 46 संस्थान कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान मिला है और आईआईटी दिल्ली को 150वां स्थान मिला है। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान और आईआईटी दिल्ली को 150वां स्थान, ठीक है। चलो, तो अब जो 48 कितने संस्थान है टोटल? 46 संस्थान है, उसमें पहले 4 याद कर लीजिए। आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है, आईआईटी दिल्ली नंबर 2 पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये तीसरे नंबर पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस बार रैंकिंग में 211वां स्थान प्राप्त है। आपको दोनों रैंक याद करने हैं, एक तो जो आपको क्यूएस ने दिया यानी क्वाक्वारेली साइमंस एजेंसी ने जो दिया, तो वो तो आपका क्या हो गया, आईआईटी बॉम्बे का 118, आईआईटी दिल्ली का 150 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का 211। और एक आपने ऐसे देश में टॉप जो इनके हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप संस्थान है, वो कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है शायद?
आईआईटी खड़गपुर है, चेक कर लो कहाँ है खड़गपुर। हाँ जी देखो चेक करो सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है, खड़गपुर है। आठवां स्थान मिला है आईआईटी रुड़की को भाई, ठीक है। पांचवें नंबर पर आईआईटी मद्रास है, छठे नंबर पर आईआईटी कानपुर है, सातवें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। डीयू को सातवां नंबर मिला है, डीयू को क्या मिला है, आठवां नंबर आईआईटी रुड़की को मिला है, और गुवाहाटी को नौवां नंबर मिला है आईआईटी, अन्ना यूनिवर्सिटी को दसवां नंबर मिला है, बाकी बहुत सारे हैं ठीक है। और इसमें कहीं पर भी हमारे उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी को जगह नहीं दिखाई दे रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया को 27वां नंबर है भाई, जामिया मिलिया इस्लामिया का क्या नंबर है, कहीं पर बीएचयू दिख रहा है आपको। जेएनयू को 13वां स्थान है, जेएनयू का नंबर कौन सा है इसको हाईलाइट कर दीजिए खास खास, जेएनयू 13 नंबर पे है, जामिया मिलिया इस्लामिया 27वें नंबर पर है ना, कहीं पर बीएचयू दिख रहा है क्या बताओ यार। बीएचयू 34वें नंबर पे डाल दिया इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एएमयू कहां पर है, 32वें नंबर पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर है, 32वें नंबर पर है। हाँ जी समझ में आ रहा है, यानी अगर आपका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हो जाता है तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप संस्थान में पढ़ रहे हो, यही तो हुआ। जेएनयू को 531वां नंबर मिला हुआ भाई, वैसे वैसे 13वें नंबर पर है भारत में, लेकिन पूरे विश्व में 531वां नंबर है इसका, कितना। हाँ तो 1500 संस्थानों में 531वां नंबर जेएनयू का है। जामिया मिलिया इस्लामिया का नंबर 801 से 850 के बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नंबर जो है वो कहाँ है भाई, 1951 से 1000, 951 से 1000। और बीएचयू का नंबर क्या है, 1001 से 1200, ठीक है। ये जो क्यूएस लंदन है ये रैंकिंग किस तरह से देता है, 6 मानक होते हैं इसके। नंबर एक एकेडमिक रेपुटेशन, नंबर एक एकेडमिक रेपुटेशन, नंबर दो एम्प्लॉयर रेपुटेशन, नंबर तीन साइटेशंस पर फैकल्टी, साइटेशंस पर फैकल्टी पर स्टूडेंट रेशियो। अगला इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, अगला इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ये सब शामिल है। भारांश होता है फिर कि क्या देखा जाता है, सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, एकेडमिक रेपुटेशन देखी जाती है। 40% रोल जो होता है वो किसका होता है, एकेडमिक रेपुटेशन का होता है। 10% जो रोल होता है वो किसका, एम्प्लॉयर रेपुटेशन का होता है। 20-20% जो होता है वो साइटेशन ऑफ फैकल्टीज एंड फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का होता है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो समझते हो, एक जो फैकल्टी है स्टूडेंट का रेशियो कितना है, शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात, इस पर भी नियम बनते हैं। सरकारी स्कूलों में भी नियम है, ये नहीं कि 500 बच्चे बिठा दिए और एक टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने 800 बच्चे भी देखे हैं एक साथ, 1000 बच्चे भी देखे हैं एक साथ पढ़ते हुए, टीचर कौन, एक, और 800 बच्चों को क्या कर रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों में एक रेशियो होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। भारत के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक जो है वो सिम्बायसिस का है भाई, इसका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ना। निजी विश्वविद्यालय की बात अगर मैं कर रहा हूं तो वो नंबर किसका है, सिम्बायसिस का, कहां पर है, 16 नंबर। अरे भाई बताओ शांत क्यों हो गए, सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसको अंडरलाइन कीजिए और इसका रैंक बताइए मुझे कितना है, 631 से 640 या 641 से 650, 641 से 650, चलो देख लेना आप।
टॉप यूनिवर्सिटी जो है जिसने 100% स्कोर किया है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका। नूर होना चाहिए आंखों में क्वेश्चन ढूंढने के लिए। नीचे लिखा हुआ बॉक्स बना हुआ टॉप जो है क्यूएस रैंकिंग 2025 में, क्यूएस मतलब क्वाक्वा रैली साइमंड्स एजेंसी जो संस्थानों की क्या करती है रैंकिंग प्रदान करती है, टॉप कहाँ है। अगर कोई आ गया आपके पास और उसने ये बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज के लिए हो गया, तो समझ लेना कि इस देश की सबसे बढ़िया क्रीम कौन सी थी, वही थी कौन जो कहाँ चली गई, कैम्ब्रिज। नंबर दो इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके, 98.5% मिला इसको, किसको, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। नंबर तीन पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नंबर चार पे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज अमेरिका। ऐसा क्या है भाई, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये टॉप के इंस्टीट्यूट्स क्यों हैं, बिल्डिंगें नहीं पढ़ाती हैं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन भारत में क्या देखा जाता है, बिल्डिंगें देखी जाती हैं। इसीलिए जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे उनको, उनका जब आप एडमिशन लेने जाते थे एक बुकलेट मिलती है, उसमें क्या दिखाते हैं आपको, बिल्डिंग दिखाई जाती है, फर्नीचर दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, और स्विमिंग पूल दिखाया जाता है, हॉर्स राइडिंग करते हुए कुछ बच्चे, पार्टी करते हुए बच्चे, और कल्चरल एक्टिविटीज दिखाई जाती है। पढ़ाई भी दिखा दो, ये भी दिखा दो कितना, इतने बच्चे थे, इतने में से इतने बच्चे रोजगार यहीं से मिला, फैकल्टी इंटरव्यू होते हैं यहीं से मिला, खाली 10 लोगों को मिलता है, उन 10 लोगों के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, उन 10 पोस्टरों पर कम से कम 1,00,000 बच्चे और के होते हैं उस तरफ जाते हैं। तो बिना योग्यता के अगर पैसे के दम पे आप डिग्री लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको क्या मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। फिर आप 20-25 हजार में क्या करते हो, अपना जीवन निर्वाह करते हो महानगरों में जाकर। तो भैया प्राप्त करो अपनी मेहनत से, पिताजी के पैसे से खरीदी गई डिग्री का ज्यादा क्या नहीं होता, और इतना होता भी है। अगर कोई व्यक्ति आएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज से आएगा, और एक व्यक्ति आएगा कि जी मैंने 50 लाख खर्च किए हैं जी, उस वहां से मैंने डिग्री ली है, तो किसको तवज्जो दी जाएगी, लेना तो दोनों को पड़ेगा मुझको। एक को मैं टॉप रैंक पर रखूंगा, उसको माना मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं एक को तो टॉप रैंक पर रखूंगा, अच्छी फैसिलिटी दूंगा, दूसरे को भी रखूंगा मैं, लेकिन दूसरे का शोषण किया जाएगा, कम वेतन पर ज्यादा काम कराया जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होगी वो किसकी होगी, मैसाचुसेट्स वाले की। चलो जी आगे अगला, पुष्पक का तीसरा सफल परीक्षण, उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपणों हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का तीसरा सफल परीक्षण। ये इस लाइन का मतलब समझे नहीं समझे, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है, ये तो पता ही है आपको, धरती से ऊपर भेजना होता है, उसके बाद वो पहले जो पहले पहले भेजे जाते थे वो सब खराब हो जाते थे, क्या होते थे भाई, ऐसे ही समझ लो कि आपको यहां से माना दिल्ली जाना है, एक ऐसी गाड़ी है कि जो दिल्ली जाएगी उसके बाद उसको फिर डिस्पोज कर दिया, ठीक रहेगा ऐसा, ये ऐसी गाड़ी चाहिए कि दिल्ली ले गए फिर वापस लाए, फिर दिल्ली ले गए फिर वापस, कई चक्कर जो काटे। तो वैसे स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपणों हेतु पुनः प्रयोज्य यानी जिनको दोबारे क्या किया जा सके, यूज किया जा सके प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का। इसमें पढ़ते हैं उपग्रह एवं अन्य अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट एक ही बार इस्तेमाल के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, ऐसे रॉकेटों को पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। अब इसको ध्यान दीजिए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पुनः एक सफलता 23 जून 2024 को उस समय प्राप्त की
जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग, इसको अंडरलाइन कीजिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी ATR से किया गया RLV LEX 03 परीक्षण पूर्णता सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इसका नाम याद कर लीजिए, आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा यहां से। अभी तक आप GSLV और PSLV पढ़ते रहे हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च वकील और जियो स्टेशनरी वाला GSLV PSLV। अब आप आने वाले समय में जो आपके ग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे वो इससे किए जाएंगे, इससे उनसे RLV, ये एक वो है उसपे मतलब अभी प्रयोग चल रहा है, सफल हो गया। RLV LEX 03 जो परीक्षण है पूर्णतः सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। कहां पर किया गया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। चित्रदुर्ग में क्या है? वैमानिकी परीक्षण रेंज यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। यह इस श्रृंखला का तीसरा परीक्षण था। ऐसा पिछला परीक्षण यानी दूसरा परीक्षण जो किया था RLV LEX 02 इसी वर्ष 22 मार्च 2024 को, और पहला परीक्षण RLV LEX 01 परीक्षण पिछले वर्ष किया गया था 22 मार्च 2024 को। दूसरे परीक्षण RLV LEX 02 की तरह 23 जून 2024 को तीसरे परीक्षण के तहत वायुसेना का एक चिनूक हेलीकॉप्टर पंखों वाले पुष्पक नाम के एक यान को लेकर ऊपर गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रनवे से 4 किलोमीटर दूरी पर इसको छोड़ा गया। मानव रहित पुष्पक स्वायत्त तरीके से कांस रेंज सुधार करते हुए रनवे पर उतर गया। पिछले RLV LEX 02 परीक्षण की तुलना में RLV LEX 03 की लैंडिंग तेज हवाओं के बीच अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कराई गई। इसरो के अनुसार लैंडिंग के समय इस वाहन की लैंडिंग वेग 320 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक था, जबकि वाणिज्यिक विमान के लिए यह 260 और सामान्य लड़ाकू विमान के लिए 280 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लैंडिंग के बाद ब्रेक पैराशूट से वाहन की गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम किया गया। इसके बाद रनवे के लिए लैंडिंग गियर ब्रेक का उपयोग किया गया। पुष्पक ने रनवे पर संतुलन बनाए रखने को नोज व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया इस तरह की पुनः प्रयोग क्षमता अभी तक अमेरिका, रूस व चीन के पास है। किसके पास है? अमेरिका, रूस व चीन के पास ही उपलब्ध थी। भारत यह क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। यह बड़ी बात है। कुछ समझ में आया? पुनः प्रयोग समझ गए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो अब जल्द ही आप सुनेंगे कि सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए वो इसी तरह के नाम सुनेंगे, RLV इसलिए बोल रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पहले क्या बोलते थे? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV है ना, या GSLV। अब इसका जब UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना आप, तो साइंस एंड टेक में इसका पूरा डायग्राम बनाकर पूरा बता रखा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। लैंडिंग देखो ना, 320 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से लैंडिंग कर रहा है, फिर पैराशूट लगे होते हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है ना। लड़ाकू विमान भी 280 किलोमीटर प्रति घंटा पर लैंडिंग करता है, ये 320 है यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। लैंडिंग कराना कठिन काम होता है भाई। अमेरिका, रूस, चीन और भारत, समझ में आ गया? अच्छा जी, आगे जो है आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन की पहली खेप भारतीय सेना को मिली। नागास्त्र बड़े उससे रखे जाते हैं नाम, आपको पता है? हमने रखा पृथ्वी और पाकिस्तान ने रखा गजनी, क्यों रखा होगा? पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हराया था किसने? महमूद गजनवी ने, उसी ने हराया था। नहीं, गौरी रखा उन्होंने अपनी मिसाइल का नाम, क्या रखा? हमने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर, वैसे अब पता नहीं पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा कि नहीं रखा राय पिथौरा के नाम पर हमने पृथ्वी रखा। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? गौरी ने। उन्होंने अपनी मिसाइल का नाम क्या रखा? गौरी। ऐसे हमने जो नाम रखते हैं बड़े सोच समझ के रखे हैं। नागास्त्र वन
भारतीय सेना की प्रहारक क्षमता में काफी वृद्धि गत जून माह में उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित, अंडरलाइन कीजिए, स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन की पहली खेप उसे प्राप्त हुई। सुसाइड ड्रोन नागास्त्र वन की विशेषता यह है कि यह अपने सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी ठिकाने पर हमला कर सकता है। नागपुर स्थित, अंडरलाइन कीजिए, नागपुर सोलर इंडस्ट्रीज, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईएमआई द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है, अंडरलाइन कीजिए इसको, द्वारा निर्मित यह ड्रोन एक फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रॉनिक अनमैंड एरियल है। इसको अलर्ट कीजिए, फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक अनमैंड एरियल है। लगभग 9 किलोग्राम वजन के इस व्हीकल की रेंज, 9 किलोग्राम को अंडरलाइन कीजिए, 1 किलोमीटर वॉरहेड के साथ, वॉरहेड के साथ 1 किलोमीटर लगभग, जबकि के साथ 1 किलोग्राम 1 किलो वॉरहेड के साथ लगभग 15 किलोमीटर, जबकि इसकी उन्नत संस्करण 2.2 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। समझ लीजिए क्या है ड्रोन है, क्या करना है, आत्मघाती ड्रोन है। क्या है, आत्मघाती ड्रोन है। कितने किलोमीटर तक भेज सकते हैं हम इसको, वैसे वॉरहेड समझ रहे हो अपने साथ जो गोला बारूद जो भी होगा, 1 किलोग्राम का वॉरहेड के साथ लगभग 15 किलोमीटर तक हम उसको क्या कर सकते हैं उसकी, और वैसे जो उन्नत संस्करण है जो इससे बढ़िया वाला है वो 2.2 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अब सैनिकों की जान क्यों खतरे में डालनी है, माना हमें ये पता चल गया कि भाई वहां पर कोई एक आतंकी शिविर है। अभी तक आपने सुना होगा कि हमारे सैनिक जाते हैं क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। अब हमें माना पता चल गया तो हम इसको भेजेंगे ना, आत्मघाती ड्रोन को भेजेंगे वहां पे, इसको भेजेंगे वहां ब्लास्ट करेगा 1 किलोग्राम या 2.2 किलोग्राम जो भी लेके जाएगा वहां पे, उनका जहां पर भी गोला बारूद होगा वहां पे आग लगा के उन सबको भस्मीभूत करके वहीं पर वो भी क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। आत्मघाती इसलिए बोल रहे हैं, 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम यह ड्रोन, 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम यह ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। कितना, 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। इसे रात में भी संचालित किया जा सकता है। पाकिस्तान व चीन जैसे देशों के सीमावर्ती बीहड़ इलाकों में अपने सैनिकों की जान का खतरा लिए बिना इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। टारगेट न मिलने पर या फिट मिशन समाप्त किए जाने की स्थिति में इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। लैंडिंग के लिए इसे पैराशूट सिस्टम दिया गया है जिसके चलते एक ड्रोन को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जीपीएस की सुविधा, जीपीएस को अलर्ट कीजिए कि सुविधा युक्त नागास्त्र वन को जैसे ही अपना टारगेट मिलता है यह उसमें क्रैश हो जाता है तथा टारगेट को नष्ट कर देता है। सेना ने 480 नागास्त्र वन के निर्माण हेतु अनुबंध इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि किसकी है, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईएमआई, अनुबंध किया है, बॉन्ड भरा है मतलब, के साथ किया था। इसमें से 120 ड्रोन की पहली खेप जून 2024 में ने सौंप दी गई। तो भाई नागास्त्र जैसे अगर हमारे पास होंगे तो हमारे सैनिकों की क्या होगी, जान बचेगी। इतना समझ में आ गया। तो कई बार काम इतने में बन जाता है, क्वेश्चन पूछेगा नागास्त्र क्या है, आपने बोलना आत्मघाती ड्रोन, तो इतने में एक नंबर मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो नागास्त्र के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन से कथन असत्य हैं, तो पहले मैं सत्य बता देता हूं। नंबर एक, स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया है, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा कराया गया है। अगला मैं बोलूंगा 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। चौथा मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, 1 किलोग्राम
एक किलोग्राम वॉरहेड के साथ 15 किलोमीटर, जबकि उन्नत संस्करण 2.2 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। आंसर चारों सही है, समझ में आ गया। ठीक है, और आप वैसे भी ऐसे ही पढ़िए, अगर आपको वन डे निकालना है तब तो हल्का हल्का पढ़िए, अगर आपको मेन से लिखना है तो अगर 50 शब्दों में लिखने के लिए आ गया इन सब चीजों को डालना पड़ेगा। और आप पूछते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आते हैं, नागास्त्र से क्वेश्चन पूछ सकता है वो 50 शब्दों में। अगला, आकाश से सतह पर मार करने वाली रुद्रेम टू मिसाइल का सफल परीक्षण। तो पहला तो यही याद करना आपने, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है इसका परीक्षण, DRDO कर रही है। कहां से कर रही है, उड़ीसा के तट से कर रही है। Sukhoi-30 MK-1 फाइटर जेट से रुद्रा एम टू आपका काम इतने में बन जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल। एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। सोनिक क्यों लगा रहे हैं, हाँ जी हाँ, साउंड से 332 मीटर पर सेकंड होती है साउंड की रफ्तार, शायद चेक करो। हवा जो साउंड होती है वो कितना होगा, 332 मीटर पर सेकंड, चेक कीजिए साउंड की स्पीड। थ्री फोर्टी मीटर पर सेकंड, 332 क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है साउंड को, एक बार चेक कीजिए फिर दोबारे, ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल। तो ठीक है भाई, DRDO ने उड़ीसा के तट के पास Sukhoi-MK-1 फाइटर जेट से रुद्रा एम टू हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कब किया, 29 मई 2024 को किया। हवा से जमीन पर मार करने वाली, कहां से, हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल काफी शक्तिशाली है और इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है। क्या है, 5 गुना तेज है। दुश्मन के किसी भी प्रकार के हथियार बनकर विमान जहाज व आयुध डिपो को उड़ाने में सक्षम यह मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। फिर दूसरा एंटी रेडिएशन मिसाइल को अंडरलाइन कीजिए, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। रुद्रा एम टू की रेंज 300 किलोमीटर को अंडरलाइन कीजिए। यह 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई, 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। रुद्रा एम 2 मिसाइल रुद्रा एम 1 जिसका परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया था का उन्नत संस्करण है। रुद्रा एम 1 की रेंज 100 से 150 किलोमीटर थी और अधिकतम गति Mach 2 ध्वनि की गति से 2 गुनी थी, लेकिन अब जो है ये क्या हो गई, ध्वनि की गति से 5 गुनी। ध्वनि की गति कितनी निकली भाई, पढ़ा हम लोगों ने तो। चलो, तो रुद्रा एम मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नंबर एक रुद्रा एम 2 मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नंबर एक हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। नंबर दो, इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है। अगला तीसरा पॉइंट, यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसको कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र, कोई भी संचार सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता। चौथा पॉइंट, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है
और यह 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या कर सकती है? प्रहार कर सकती है। समझ में आ गया? ठीक। अगला है, फाइटर जेट में की जाएगी तैनाती। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट, इसमें तेजस फाइटर जेट AMCA और टेड BF फाइटर जेट में लगाएगी। फिलहाल यह MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इसी की बात कर रहा है रुद्रा M2 मिसाइल। अभी तक ये खाली MiG-29 पर लगती है। मिग जो है वो आपके रूस से मंगाते थे हम लोग, बहुत दुर्घटनाग्रस्त हुए भाई ये मिग जो थे। मिराज ये भी एक उन्नत लड़ाकू विमान हमारा, ऐसे जगुआर है और अब तो नए तो सुखोई है ही, ठीक है। लेकिन हम इसको तेजस पर भी लगाएंगे, AMCA पे भी लगाएंगे और टेड BF फाइटर जेट पर भी लगाएंगे, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रा M2 मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO, वायुसेना और उद्योग जगत को बधाई देते हुए कहा, इस परीक्षण की सफलता से रुद्रा M2 की भूमिका पुष्टि हुई है और इससे भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मेन चीज ये होती है कि जब हम हमला करें तो अगर रडार सिस्टम में आएगा तो उसको बर्बाद कर देगा दूसरा दुश्मन देश। रडार सिस्टम पर ही नहीं आती है, एयर डिफेंस सिस्टम पर नहीं दिखाई देती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र इसको नहीं पकड़ सकते, तो ये इसकी खास विशेषता है। क्या है? और दूसरा, सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है। हाइपरसोनिक। अगला है, निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण। सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण। क्रायोजेनिक समझते हो? क्रायोजेनिक का प्रयोग रॉकेट प्रणाली में किया जाता है। रॉकेट में दिक्कत होती है कि जो उसका फ्यूल है उसको माइनस पर रखना होता है, इतने पर, जिसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, पहले रूस से मांगा। किससे मांगा? इधर उधर के देशों से मांगते रहे, रूस हमारी सहायता करता रहा। एक समय ऐसा आया रूस ने मना कर दिया कि हम आपको क्रायोजेनिक नहीं देंगे। और आपको पता है जब हमारे देश में जब मना कर देता कोई तो फिर ईगो होता ना कि भाई कैसे मना कर दिया, दोस्त था, मना कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो तब फिर क्रायोजेनिक पर काम चला यहाँ पर, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है माइनस, बहुत नीचे टेम्परेचर पर फ्यूल को क्या करना, रखना, के लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है। चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के बीच में, सुना होगा आपने, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित अपने प्राइवेट परीक्षण स्थल धनुष में स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक अग्निलेट इंजन युक्त अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर SORTED का सफल परीक्षण करके इतिहास रच दिया है। अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल व गैस के मिश्रण का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसकी सफल उपकक्षीय परीक्षण उड़ान के साथ ही अग्निकुल कॉस्मोस यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है। यह बढ़िया बात है कि स्टार्टअप वाले ऐसा काम कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि रक्षा से संबंधित जो भी आविष्कार वगैरह होते थे वो सरकार अपने हाथ में रखती थी, DRDO करता था, लेकिन अगर स्टार्टअप वाले कर रहे हैं ऐसा तो बड़ी बात है। जैसे अमेरिका है या अन्य देश है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास भी क्या होता है, मतलब वो R&D पर खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं और वो बनाते हैं खुद के। सरकार द्वारा कंट्रोल होता है उन पर, लेकिन वो क्या करते हैं, बनाकर सरकार को देते हैं, फिर रक्षा सौदे होते हैं। सुना होगा आपने सुखोई, तो ऐसा सुना आपने कि उस देश की इस कंपनी ने बनाया, मतलब सरकार ने बनाया, सरकार की कंपनी ने नहीं बनाया, प्राइवेट ने बनाया। किसने बनाया? प्राइवेट। तो भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है। इससे पूर्व हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस ने उपकक्षीय रॉकेट विक्रम S की सफल लॉन्चिंग, विक्रम S को अंडरलाइन करना है आपने,
18 नवंबर 2022 को की थी। स्काई रूट एरोस्पेस ऐसी उपलब्धि वाली भारत की पहली निजी कंपनी थी। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, इसको अंडरलाइन कीजिए बार बार, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, राजनीतिक पर लिखने के लिए आ सकता है, साथ में प्री में क्वेश्चन बन सकता है। का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित अपने प्राइवेट परीक्षण स्थल धनुष से किया है। प्राइवेट परीक्षण स्थल धनुष से 30 मई 2024 को प्रातः 7:15 पर किया। अग्निबाण SORTED की उड़ान का अग्निकुल कॉस्मोस का 5वां प्रयास था। इससे पूर्व 22 मई, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 28 मई को तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह परीक्षण रद्द करना पड़ा था। 30 मई को अग्निबाण की उड़ान एक परीक्षण उड़ान थी, जिसके तहत रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी का चक्कर लगाए बिना ही समुद्र में गिरा दिया गया था। यह मिशन लगभग 2 मिनट चला। इस मिशन के डेटा व अन्य जानकारियों को अग्निबाण प्रक्षेपण यान के विकास में मदद मिलेगी, जिससे 300 किलोग्राम तक का पेलोड तथा 700 किलोमीटर तक की कक्षा में ले जाने में सक्षम होने की उम्मीद है। क्रायोजेनिक समझ में आ गया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या, हमारे लिए खुशी की बात क्या है, प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप, चेन्नई की एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, क्या है इनका अपना लॉन्चिंग स्टेशन है, प्राइवेट प्रक्षेपण परीक्षण स्थल धनुष, उसका नाम क्या है, धनुष। स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक अग्निलेट इंजन युक्त अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर SORTED, ये खास ध्यान देना आप। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद टाइम बताइए, ठीक है, अगली क्लास में लूंगा।